हेलो रेविंग हार्ट। अगर एक संडे यहाँ स्पेंड कर लिया ना तो आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया। मैम और आज हम फिर से मिल गए। लास्ट टाइम ग्रुप काम कर रहा है ना, इसमें रेविंग सैल्यूट टू यू। भाई ये लड़का क्लास में ध्यान नहीं देता है। So guys, we are going for our first meetup. हमारे क्लब का आज पहला मीटअप हमने रखा है और ये मैंने एक ऐसे ही रखा है, देखते हैं कितने लोग हमसे जुड़ते हैं या मिलते हैं। और दूसरा जो ग्रुप हमें हमारे साथ राइड कर रहा है वो है सिंग स्विंग ग्रुप ऑफ इंडिया। तो गाइज उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कुछ सीखेंगे। सिंग स्विंग्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने पहले मीटअप पे ये कैसे ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं जो कि मैच्योर्ड है और एक्सपीरियंस है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, मिलते हैं उनसे, मुलाकात करते हैं और हम जा रहे हैं फ्लाई व्हील कैफे रोस्टर जो कि एक नोएडा में बहुत ही ऑसम लोकेशन है राइडर्स के लिए। एंड यू कैन गो फॉर फैमिली पिकनिक ऑल्सो, आप वहाँ जाके पिकनिक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छे लगते हैं तो यू कैन शेयर इट। और थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने जो क्लब का इनिशिएटिव है इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों का साथ मैं चाहता ही हूँ इसमें, तो इट्स बाइकर बंधु क्लब और बाइकर बंधु क्लब फॉर एवरीवन हमारी तरफ से ओपन है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी मैच्योर राइडर। आई वांट ओनली मैच्योर राइडर्स इन माई ग्रुप। हम क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है वही है वॉर टू, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, विच स्टैंड फॉर वी आर रेस्पॉन्सिबल राइडर। सो इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल राइडर यू कैन जॉइन अस, नो इशू। क्योंकि देखो ऑलरेडी यार इंडिया में राइडर कम्युनिटी को लेके बहुत अच्छे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, बाइकर्स को लेके बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं है, तो कुछ लोगों की वजह से सारी कम्युनिटी जो है बदनाम होती है, सबका ही नाम ख़राब होता है। तो क्यों ना उसको हम सुधारने की कोशिश करें, तो थोड़ा रेस्पॉन्सिबली राइड करें, किसी कॉज के लिए राइड करें। अपना प्लान दूसरा ये भी है कि हम जो राइड्स करें उनमें कुछ कॉज हो, कॉज होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा राइड्स करने में। हेलो रेविंग हार्ट, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आ गए हैं फ्लाई व्हील कैफे और आज की जो राइड थी बेसिकली हमारे अपने क्लब का भी आज पहला मीटअप था और बाइकर बंधु क्लब का अपना पहला मीटअप था और हमने टाई अप किया यहाँ पे सिंग्स विंग्स ग्रुप के साथ में। और यहाँ पे चल रहा है चिट चैट विद सिंग्स विंग्स, तो यू कैन सी ये हमारे आकाश भाई हैं। आकाश भाई हमसे पहले पहुँच गए थे हमारे क्लब से। हेलो, ये कुर्सी खाली करने में लगे हुए हैं, तो बाकी का देखते हैं नज़ारे यहाँ के। आज भी देख लो मैम कितनी दूर है ऑफ बीट टाइप ना दे लो, उसके बाद ही मैम यहाँ पर है। मैम आपका बहुत बड़ा Karmic के बारे में आई थिंक चरण ज्यादा बेटर बता सकता है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर बताऊंगी तो हाँ कार्मिक राइट्स जो है स्ट्राइक का इनिशिएटिव है, उसमें हम लोग नो वी गो फॉर राइट, बट हम उसके साथ में एक कॉज जरूर ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, माउंटेन्स देखने जा रहे हैं, तो वी विल मेक श्योर कि हाँ हम वहाँ पे गंद नहीं फैलाते हैं. Guys, here is the Balwinder ma'am. और आज हम फिर से मिल गए. लास्ट टाइम मैंने आपको मिलाया नहीं था इनसे. This is from Astroride team. और इन्होंने एंड कार्मिक राइट. तो मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया था उस ब्लॉग में भी कि एक बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है, तो मोस्ट ऑफ पीपल कैन ज्वाइन दिस. और मेरे ग्रुप में जो लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आओ साथ मिलके कुछ अच्छा करते हैं और कम्युनिटी को थोड़ा सा अच्छा नाम देते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, एनवायरनमेंट को कुछ वापस देते हैं जो हम उनसे ले रहे हैं. डू हैव सपोर्टर्स लाइक हिम, तो नो वे नो वे के जो हम लोग विजन करके बैठे हैं, जो हम लोग चीज़ें प्लान करके बैठे हैं, वो नहीं होगा. गिवन वी हैव पीपल लाइक हिम. सो थैंक यू सो मच. आपके ऐप के बारे में बताइए थोड़ा सा. ऐप के बारे में, हाँ ऐप इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मोटरसाइकिल राइडर्स. अगर आप नए राइडर हैं, यू कैन फाइंड आउट ग्रुप्स एंड ज्वाइन देम. अगर आपका ग्रुप है तो यू कैन स्टिल ज्वाइन इन, क्रिएट योर ग्रुप एंड यू कैन इन्वाइट मोर मेम्बर्स टू बी पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. बिकॉज क्या फ़ायदा है इधर उधर ढूंढते रहने का वेन यू हैव. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वी आर अबाउट टू टच 10,000 राइडर्स, इंडिविजुअल राइडर्स का टारगेट विद इन नेक्स्ट वीक ओनली. सो जस्ट इमेजिन 10,000 राइडर्स अगर एक जगह पे इकट्ठे खड़े हो जाए ना, तो मतलब वो एक एक भी अपनी बाइक को एक एक भी थ्रॉटल दे देगा तो वो लाउड कितना जाएगा. सो दैट्स द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी हैव. एंड इस कम्युनिटी की वजह से ही वी हैव स्टार्टेड दिस कार्मिक राइड का इनिशिएटिव. क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे राइडर्स हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो वी हैव जस्ट गिवन देम वन मोर प्लेटफॉर्म कि इस पे आप आके जो कुछ भी अच्छा राइड या कुछ भी अच्छे कॉज के लिए करना चाहते हो, यू प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. एंड वी एज एस्ट्राइड टीम वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे. तो देखो भाई साहब यहाँ पे झूले के मजे ले रहे हैं. अभी ले लो नहीं, हम तो आते रहते हैं यहाँ, एक दो बार पहले भी आ चुके हैं. और ये है हमारे भाई साहब, आप अपना नाम बताइए. पहली बार हमने नाम नहीं पूछा था. रजनीश जी. और ये हमारे डिफेंस फोर्स से हैं, तो ऐसे लोगों से मिलके तो वैसे ही अच्छा लगता है. और ये इधर हमारे पाजी बैठे हुए हैं. मेरा नाम है करण. ये हमारे करण पाजी है. ओके, तो आपसे तो बहुत कुछ सीखना है हमें. हम पार्ट टाइम करते रहते हैं फोन में अपने में. हाँ ये बेसिकली मैं तो माइक्रोलिस्ट हूँ, तो अभी ये शुरू करा है. तो देखो थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए, है ना. तो लगे रहते हैं फोन में अपना. तो बताओ आपको कैसा लगा ये आज यहाँ पे आके. तो बढ़िया लगा, और दोबारा आने का मन है. बेसिकली ये जगह बहुत अच्छी है. ठंड में तो और मजा आएगा. हाँ. जब वो आग चला के ना. हाँ ठंड में रियली बहुत अच्छा लगता है. ओपन है यार, थोड़ा मौसम वैसा है. ये तो मैं लास्ट जब आया था वैसे इतना मौसम था, हवा वगैरह चल रही थी बैठने का यहाँ पर. उस दिन हम सिर्फ 3-4 लोग ही थे हमारे. चरण पाजी. तो यार आज तो मजा ही आ गया. राघव भाई आए साथ में, ज्वाइन करा हमें खुद बहुत अच्छा लगा. क्योंकि मेरा तो बेसिकली इनिशिएटिव था. आज मेरा पहला ही मीटअप था मेरे ग्रुप का. और आज हम चार आए, लेकिन हम चार से 40 हो गए. और देर नहीं लगेगी उसमें भी. तो बस यार भाइयों का स्पोर्ट है तो देर नहीं लगती 4 से 40 होने में. बस प्यार चाहिए होता है 40 से 400 भी करने हैं. और आपका जैसा मतलब देख के लगा, और आपके जो पाजी का जो ग्रुप काम कर रहा है ना, उसमें रैविंग सैल्यूट टू यू. तो यार बहुत बहुत थैंक्स फॉर योर सपोर्ट राघव भाई. तो ऐसे ही काम करते रहेंगे मिलके. एक कोलैबोरेशन होती है भाइयों की, भाइयों का प्यार होता है. मिल बांट के सब चीज़ें हो सकती है, अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता. तो मैं ही स्पेस्ट है मेरी राघव भाई से, बाइकर बंधु क्लब से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज्वाइन करें, इनको सपोर्ट करें, और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. भाई को सपोर्ट करो यार, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भाई लेके आएगा, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा बेसिकली. और कार्मिक राइड्स पे तो हम साथ हैं. हाँ कार्मिक राइड्स में तो हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे. थैंक यू सो मच राघव भाई. ये देखो तो अपना अपनी RBCs भी पैकअप में लगी हुई है. RBC समझे ना तुम लोग? यस.
क्या बात बताया था मैंने आरबीसी एक रेड बट एक चलता भाई ये लड़का क्लास में ध्यान नहीं देता है आरबीसी समझे थे आज का हमारा जो मीटअप था आरबीसी क्या था आरबीसी बताओ चलो जो ऑक्सीजन वो ले जाता है अरे क्या बात है ये पढ़ने ये टॉपर है मेरी क्लास का ये लड़का टॉप बैक बेंचर है लेकिन सारी चीजें पता है चलो टुडे इवेंट इज ओवर और ये आज पहला ही अपना मीटअप था तो अपने सिर्फ आज अपने साथ सिर्फ चार ही लोग आए थे तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा अपने बाइकर बंधुस का और स्पेशली थैंक्स टू आकाश बिपिन एंड अंकित एंड मी कि आप लोग आए यार और बहुत अच्छा लगा बाकी अपने सिंग सिंग्स के साथ तो खैर औसम ही रहा आज का दिन काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला काफ़ी कीप राइडिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस दिस इज़ फॉर सिंग सिंग्स यू गाइज आर डूइंग वेल एक्सीलेंट वर्क इन द बाइकर कम्युनिटी सो जस्ट कीप इट अप रियली गाइज इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी जब मैं सिंग सिंग्स ग्रुप से मिला और अपने चरण पाजी तो खैर औसम है ही और रियली इट्स अ ड्राइविंग सल्यूट टू यू गाइज ऑल मेंबर ऑफ सिंग सिंग्स ग्रुप अच्छे काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहिए आगे बढ़ते रहिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गाइज प्लीज ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी और राइडर्स हैं और दैट्स इट तो आज का ब्लॉग इतना ही था सो कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस आई एम योर फ्रेंड बाइक बंधु signing off from this blog keep watching keep supporting guys and driving salute to all of you who supporting me my community and thank you for watching guys